सिरसिता नाले सृष्टि स्थल दर्शन यात्रा करने चले हैं हमारे आदिवासी शरणा समाज के सभी लोग, देखिए दूर दूर से काफ़ी दूर दूर से आए। आज 4 फरवरी 2021 को अपने अपने मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आए हुए हैं। आज हमारे आदिवासियों के लिए, सरना समाज के लोगों के लिए एक विशेष दिन है। आज के दिन किस तरह से हमारे जन सैलाब उमड़ पड़ा है और धर्मेश का, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद लेने के लिए और आशीर्वाद लेके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आज हमें बहुत जरूरी है हमारे समाज के सभी लोगों को, एक 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 लोगों को बताने और समझाने की ज़रूरत है कि हमारे पूर्वजों का धर्म वो प्राकृतिक धर्म है, सदा सदा जीवन यापन और सदा सदा विचार के रहने वाले और सबका हित, सबका भलाई और सबको एक साथ मिल के, एक साथ में विचार करके, एक साथ में संयोग करके चलने वाले हमारे प्राकृतिक सरना समाज के लोग हैं। किस तरह से देखिए, इतना भीड़ भड़ाका होने के बावजूद एकदम शांति प्रिय और जीरा झंडा और सरना झंडा को लेकर गए हुए हैं। कितने शांति प्रिय ढंग से खड़े हैं, अपने पूजा और प्रार्थना और विनती का इंतजार कर रहे हैं पूर्वजों से आशीर्वाद लेने के लिए। आज बहुत ही अच्छा हमारे समाज के एक 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 लोगों को समझना होगा कि अपना सरना समाज, सरना धर्म, सरना प्राकृतिक धर्म एक महान धर्म है और इसी प्राकृतिक अनुसार जब हम लोग अपना स्वभाव को बनाएंगे, प्राकृतिक अनुसार अपने विचार को बनाएंगे, प्राकृतिक अनुसार जो हमने को अपने दृष्टि को बनाएंगे, प्राकृतिक अनुसार हमारे जो बातचीत करने के ढंग को बनाएंगे, तो हम लोग एक महान और सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों का हम लोग उसमें भजन गाते हैं कि हमारे पूर्वज वहाँ जितने भी थे वो हड़िया दारू वगैरह नहीं पीते थे, लेकिन आज दिन प्रतिदिन हम लोग इस बात को केवल भजन तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन हमें बहुत जरूरी जानने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है और अमल करने की ज़रूरत है। हम किसी भी हालत में हमारे पूर्वजों का जो बताए हुए राह पर, पूर्वजों को बताए हुए रास्ते पर, पूर्वजों को बताए हुए हमारे जो एक रास्ता, वो रास्ते को बताते हुए हम एक ऐसे राह पर चलेंगे जो कि हमारे समाज की बिल्कुल आसान और सहज और सुंदर भाव से रहने का जो रास्ता मार्ग बताया गया है, सरना स्थान बताया गया, सिरसिता सृष्टि स्थल से बताया गया, बनाया गया है। इस चीज़ की महत्व अहमियत को जानते हुए, मानते हुए हम लोग को जरूरी इसी प्रकार से एक एकता और संगठन के रूप में भी हमें एक दिखाई दे रहा है कि हम कितने संगठित और कितना मजबूत है। हमारे नेतृत्वकर्ता भी हम सभी लोगों को एक साथ मिल के बैठ के एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे का जो भी थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, उस मनमुटाव के एक जगह बैठेंगे, एक जगह विचार करते हुए हम लोग इस तरह से समाज को संगठित और व्यवस्थित करेंगे ताकि हम एक एक व्यक्ति सुरक्षित और एक एक व्यक्ति अपने आप को हिफाजत और एक एक व्यक्ति के अंदर में इस प्रकार से भाव भरने का प्रयास करेंगे कि हम लोग सरना समाज के हैं, हम लोग प्रकृति के धर्म के मानने वाले हैं, हम सभी को एक सहनशील होते हुए अपने धर्म और अपने कर्म के लिए थोड़ा सा सहनशील होते हुए एक दूसरे को गले लगाते हुए, एक दूसरे का सहयोग और मदद करते हुए हम लोग को आने वाले अगले साल में, मैं यही उम्मीद और आशा करता हूँ कि हम लोग का एक विशाल इसी तरह से दर्शन यात्रा होगा, विशाल प्रार्थना सभा होगा। आज हम अलग 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 डेट में, अलग अलग तरीकों में, जो तारीख जो डेट होता है उस डेटों में जा रहे हैं, तो हमें एक प्रकार से देखा जाए तो हमको एक संगठन और एक एकता दिखाने का भी दिन होता है। उसको देखाएंगे और विचार करेंगे और विचार करके हम लोग एक तिथि एक डेट में जब जाएंगे तो हमारे कितना ज़्यादा उमड़ पड़ेंगे, क्योंकि हम आदिवासी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उसका भी धीरे धीरे हम लोग
शांति प्रिय आदमी है। किसी से लड़ना झगड़ना किसी से भी विवाद करना नहीं जानते। हम लोग शांति से रहेंगे और अच्छा से रहते हुए अपने पूर्वजों को बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। पूर्वजों का सदा धर्म था, सदा पूजा पाठ शुद्ध, सदा सदा रहना खाना पीना उठना बैठना और दारू हाड़ी का ये सब सेवन नहीं करते थे। लेकिन ये पता नहीं कहाँ से कब किस तरह से आया, हमें आज वही परेशान कर रहा है। इसीलिए हमको जितने भी श्री सीता में गए हुए सभी सज्जनों से इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि हम भी पूर्वजों का रास्ता पर चलते हुए पूर्वज की तरह ही हम लोग अपने जीवन यापन को बनाएंगे। जय धर्मेश।